दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है और प्रकृति इन रहस्यों को पुरातन समय से अपने अंदर संजोए हुए है। कुदरत के इन्हीं खूबसूरत रहस्यों में से एक है लिक्विड रेनबो, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आपने आकाश में बारिश के बाद सात रंगों वाला रेनबो या इंद्रधनुष तो जरूर देखा होगा। ये दिलचस्प नज़ारा थोड़ी देर के लिए ही दिखाई देता है, लेकिन यह सबका मन मोह लेता है। क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर एक बहता हुआ रेनबो भी मौजूद है? हालांकि इसमें सात नहीं, केवल पांच ही रंग हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पांच रंगों वाली नदी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस संसार में कुछ ऐसी कुदरती चीजें हैं जो अपनी आश्चर्यजनक खूबसूरती के कारण दिखने में नकली लगती हैं। कुदरत की इस खूबसूरती में ही एक ऐसी नदी शामिल है जिसमें बहने वाला पानी कुल पांच रंगों का होता है। यह बात सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। कुदरत के इस नायाब नमूने को देखने के लिए दूर दूर से लोग दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया देश में जाते हैं। कोलंबिया देश में बहने वाली इस सुंदर नदी का नाम कैनो क्रिस्टल्स है। नदी की खूबसूरती की वजह से ही नेशनल जियोग्राफी ने इसे गार्डन ऑफ ईडन यानी देवताओं का बगीचा बताया है। कैनो क्रिस्टल्स नदी कोलंबिया वासियों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपनी अनोखी खासियत के चलते हैरान कर देती है और लोग इस नदी की ओर आकर्षित होते हैं। दरअसल इस नदी में पांच अलग अलग रंगों का पानी बहता है। इसमें पीला, हरा, लाल, काला और नीला रंग शामिल है। पांच रंगों के पानी के कारण इस नदी को रिवर ऑफ फाइव कलर्स के नाम से भी जाना जाता है और इस इंद्रधनुषी पानी को लिक्विड रेनबो भी पुकारते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि पानी का कलर बदलने की वजह क्या है। तो इस नदी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पेंटिंग पैलेट पर रंग तैर रहे हों। इस नदी को दुनिया की सबसे सुंदर नदी भी माना जाता है। इसका निखरा हुआ रूप देखने के लिए जून से लेकर नवंबर के बीच सैलानी कोलंबिया जाते हैं। नदी के पानी का कलर बदलने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। यह कोई जादू नहीं है कि इस नदी का पानी पचरंगा है, बल्कि ऐसा इसमें उगने वाले एक खास पौधे मैकेरेनिया क्लेविगरा की वजह से होता है। इस पौधे की वजह से ही ऐसा लगता है कि जैसे पूरी नदी ही रंगों से भरी हुई है। पानी की तलहटी में मौजूद पौधे पर सूरज की रोशनी पड़ते ही पानी लाल रंग का दिखने लगता है। इसके बाद धीमी और तेज रोशनी के साथ पौधे की अलग अलग आभा पानी के रंग पर झलकने लगती है और बैंगनी से लेकर चटक लाल रंग के बीच आने वाले सभी मिलावटी रंग दिन के अलग अलग समय दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, लिक्विड रेनबो से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।